गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, आई एम आशुतोष सर। टुडे आई विल टीच यू क्लास टेंथ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट, क्लास टेंथ मैथमेटिक्स में हम लोग चैप्टर 3 की लास्ट एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 को। क्वेश्चन नंबर 2 तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फार्मूलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज अ पेयर ऑफ इक्वेशन एंड हेंस फाइंड देयर सोल्यूशन। उसका सोल्यूशन फाइंड करना है और पेयर ऑफ इक्वेशन ही बनाना है, उसको सॉल्व भी करना है। ओके, तो सेकंड के फर्स्ट पार्ट को हम लोग देखते हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। रितु कह रहा डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ओके, रितु जो है धारा की दिशा में 20 किलोमीटर क्या करती है, मूव करती है 2 आवर में। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। और धारा की विपरीत दिशा में, धारा के अपोजिट, वह 4 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है कितने आवर में, 2 आवर में। फाइंड हर स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टील वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। ठीक है, करंट की स्पीड को फाइंड करना है। ठीक है, और स्टील वाटर में उसकी स्पीड फाइंड करनी है। ओके, तो देखते हैं हम लोग हैं इसको। लेट द स्पीड ऑफ द बोट, लेट द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टील वाटर बी एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी वाई किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड अप स्ट्रीम कितना हो जाएगा, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। धारा की विपरीत दिशा में जब जाएंगे तो जो ये स्पीड है, किसकी स्पीड, स्टीम की, वो क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। क्लियर। और स्पीड डाउन स्ट्रीम ये क्या होता है, ऐड हो जाता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अगर आप साइकिल को चलाएंगे धारा के डायरेक्शन में तो साइकिल बहुत तेज मूव करती है, और अगर एयर के अपोजिट अगर साइकिल को आप चलाएंगे तो देखते हैं अपोज करती है वो हमारा। ठीक है, तो धारा की दिशा में क्या होता है, दोनों स्पीड ऐड हो जाती है, एयर की और साइकिल की दोनों ऐड होती है, और इसमें जो होती है माइनस होती है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन टू कवर, टाइम टेकन टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इक्वल टू 2 आवर, 2 आवर्स। क्लियर। तो 2 आवर में लिया गया समय, 2 आवर में, तो फार्मूला क्या होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान स्पीड। तो डिस्टेंस कितना किलोमीटर है, 20 किलोमीटर। स्पीड कितना है, स्पीड जो है एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना हुआ, 2। यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका 2 से कटेगा, कितना हुआ, 2 1 जा 2, 2 10 जा, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10।
एक्स प्लस वाई इक्वल कितना होगा 10। क्लियर। टाइम टेकन टू कवर 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम। क्लियर। 4 किलोमीटर अपस्ट्रीम कितना आवर? 2 आवर। ये भी तो फार्मूला वाइज सेम टू सेम, 4 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया डिस्टेंस अपन स्पीड, स्पीड कितना हो जाएगा एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना होगा 2, 2 से कैंसिल करेंगे 2 2 जा 4, इम्प्लाई दैट एक्स माइनस वाई इक्वल टू कितना आएगा 2। ठीक है, इसको सपोज कर लेंगे इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। जब ऐड करेंगे हम लोग दोनों इक्वेशन को, क्लियर, जब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा देख लेते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस एक्स माइनस वाई इक्वल टू ऐड करेंगे तो 10 और 2 कितना हो गया 12। यहाँ से कैंसिल हुआ एक्स और एक्स कितना होगा 2x इक्वल टू 12, 2x इक्वल टू कितना आएगा 6 आएगा, एक्स इक्वल टू 6। अगर एक्स की वैल्यू यहाँ क्या पुट करते हैं 6 पुट करते हैं तो 6 माइनस 2 कितना होगा 4, वाई इक्वल टू कितना आएगा 4, वाई इक्वल टू कितना आएगा 4 आएगा। क्लियर। हैंस द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। यहाँ से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। अब इसी का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या है? 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by 1 woman alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. ठीक है, 2 women और 5 men एक काम को जो है 4 डे में क्या करते हैं, लास्ट करते हैं। ठीक है, मतलब सब मिला जुला के पूछें कि एक आदमी अगर उस काम को करे तो कितना टाइम लेगा और एक वुमेन अगर उसको करे अकेले करे तो कितना टाइम वो लेगी। क्लियर। लेट द टाइम टेकन बाय 1 woman in x days and time taken by 1 man be y days। एक वुमेन जो उसको x दिन में क्या करती है, ख़त्म कर सकती है, और एक मैन जो उसको y डे में क्या करता है, ख़त्म कर सकता है। तो 1 डे का वर्क, देन 1 woman's 1 day's work कितना होगा 1/x, 1 man 1 day's work इक्वल टू 1/y। क्लियर। तो 2 women and 5 men कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 डेज, कितना डेज में 4 डेज में। ठीक है, तो 1 woman एक दिन में इतना वर्क करती हैं। क्लियर। तो 2 woman कितना करेंगे 2/x और 5 men कितना करेंगे 5/y, एक 1 डे में। 1 woman 1/x 1 डे में करती है, 2 woman 1 डे में कितना करेंगे 2/x करेगी। ठीक है, तो कितना वुमेन है 2 woman, तो 2 woman 1 डे में कितना वर्क करेंगे,
टू ओमेन वन डे में कितना वर्क करेंगे, टू अपान एक्स प्लस कितने मैन है, फाइव मैन है, तो कितना करेंगे, फाइव अपान वाई। सब मिला के एक वर्क करते हैं, एक वर्क को कंप्लीट करते हैं कितने डे में, चार डे में। तो वन डे में कितना करेंगे, वन अपान फोर पार्ट करेंगे, कितना पार्ट करेंगे, वन अपान फोर पार्ट कंप्लीट करेंगे लोग, क्लियर। और एंड जो इसकी नेक्स्ट स्टेप है, अकॉर्डिंग टू एक क्वेश्चन क्या है फर्स्ट है और अकॉर्डिंग क्वेश्चन सेकंड क्या है, थ्री ओमैन। तो थ्री ओमैन का मतलब थ्री अपान एक्स प्लस सिक्स मैन का मतलब क्या हुआ, सिक्स अपान वाई। कितने डे में करते हैं, थ्री डे में करते हैं, तो वन डे में कितना करेंगे, वन अपान थ्री, वन अपान थ्री। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे, पुटिंग वन अपान एक्स इक्वल टू यू एंड वन अपान वाई इक्वल टू वी, क्लियर। पुट कर देंगे तो कितना होगा, टू यू प्लस फाइव वी इक्वल टू वन अपान फोर एंड थ्री यू प्लस सिक्स वी इक्वल टू वन अपान थ्री। अब इसको हम लोग जो है किसी भी मेथड से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, किसी मेथड से इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे, क्लियर। तो इसको हम लोग सब्स्टिट्यूशन सॉल्व करते हैं, किसे सॉल्व कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन से आइदर एलिवेशन कर लेते हैं इसको, का सपोज कर लेते हैं इक्वेशन नंबर वन एंड दिस इज इक्वेशन नंबर टू, इसमें मल्टीप्लाई करते हैं किससे, थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर। तो ये कितना होगा, थ्री टू जा सिक्स यू प्लस थ्री फाइव जा फिफ्टीन वी और यहाँ से करेंगे कितना होगा, थ्री अपान फोर, टू थ्री जा सिक्स यू प्लस टू सिक्स जा ट्वेल्व वी इक्वल टू टू अपान कितना होगा, थ्री, क्लियर। अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ से, तो ये भी क्या होगा, माइनस होगा, ये भी क्या होगा, माइनस, ये भी क्या होगा, माइनस, एक कैंसिल हो गया, तो फिफ्टीन वी से ट्वेल्व वी जाए कितना होगा, थ्री वी। और यहाँ से इसको हम लोग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, थ्री अपान फोर माइनस टू अपान थ्री, थ्री वी इक्वल टू एलसीएम कितना होगा, ट्वेल्व एलसीएम होगा, कितना एलसीएम होगा, ट्वेल्व। तो फोर थ्री जा ट्वेल्व नाइन माइनस थ्री फोर जा कितना गया, वन अपान ट्वेल्व। तो वी इक्वल टू आया कितना, वन अपान थर्टी सिक्स, वन अपान थर्टी सिक्स। अब वी की वैल्यू को हम कहाँ किसी को इसमें पुट कर देंगे, वी की वैल्यू को, तो वी की वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं इसमें, क्लियर। तो वी की वैल्यू जब हम पुट करेंगे तो कितना होगा, सिक्स यू प्लस फिफ्टीन इंटू वन अपान थर्टी सिक्स इक्वल टू थ्री अपान फोर, क्लियर। थ्री से कट करेंगे इसको, थ्री फाइव जा फिफ्टीन थ्री ट्वेल्व जा क्लियर, तो कितना हो गया, सिक्स यू इक्वल टू थ्री अपान फोर माइनस फाइव अपान क्लियर, सिक्स यू इक्वल टू ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व नाइन माइनस फाइव इक्वल टू फोर अपान ट्वेल्व, फोर थ्री जा ट्वेल्व यू इक्वल टू वन अपान एट्टीन, ठीक है। तो यू इक्वल कितना आया, वन अपान एट्टीन, तो यू को हमने क्या माना, वन अपान एक्स, देयर फॉर एक्स इक्वल टू एट्टीन डेज, और वाई इक्वल कितना आएगा, थर्टी सिक्स डेज, क्लियर। दस वन ओमैन एलान कैन फिनिश द एम्ब्रॉयडरी इन एट्टीन डेज एंड वन मैन एलान कैन फिनिश इट वर्क इन 36 डेज, ओके। एक्स इक्वल टू 18 डेज, वाई इक्वल टू 36 डेज, क्लियर। और इसका जो थर्ड पार्ट है,
जो थर्ड इक्वेशन इसका है उसको हम देख लेते हैं, बना देते हैं। रोहित ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। रोहित जो है ट्रेवल करते 300 किलोमीटर अपने होम का, कुछ भाग किससे, ट्रेन से, एंड कुछ भाग किससे ट्रेवल करती है, बस से। टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल डिस्टेंस जो कितना है 300 है, कितना है 300 किलोमीटर टोटल, ठीक है। कुछ पार्ट किससे ट्रेवल करती है, मान लीजिए यक्स पार्ट जो है किससे ट्रेवल करती है, ट्रेन से, किससे, ट्रेन से। और कुछ पार्ट किससे ट्रेवल करती है, बस से। क्लियर। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। क्लियर। वह 4 आवर लेती है, टोटल कितना आवर लेती है, 4 आवर। क्लियर। टोटल कितना आवर लेती है, 4 आवर, ठीक है। तो राइट किया है सी टेक्स 4 आवर इफ इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन। वह ट्रेन से कितना चलती है, 60 चलती है किलोमीटर है, तो बस से कितना चलेगी, 240 किलोमीटर जाएगी। क्लियर। तो 60 किलोमीटर सपोज कर लेते हैं, तो ट्रेन की जो स्पीड क्या है, एक्स सपोज कर लेते हैं, ट्रेन की स्पीड एक्स, तो 60 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लेगा, 60 अपन x, डिस्टेंस अपन स्पीड। ट्रेन से 60 किलोमीटर गया है किस स्पीड से, एक्स स्पीड से, तो टोटल टाइम कितना है, 60 अपन x। प्लस बस का राइट कर लीजिए, 240 अपन y, बस की स्पीड, और सब टाइम मिला कितना, 4 आवर। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, यहाँ से 1 फाइंड कर लेंगे। और क्या राइट किया गया, इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाएगा तो कितना होगा, 100 अपन x होगा, और रिमेनिंग बाई बस बचा कितना, 200 अपन y, सब मिलाकर कितना लेती है, 10 मिनट लॉन्गर, 10 मिनट ज़्यादा समय लेती है, ठीक है। इसका मतलब 4 यह अब प्लस 10 अपॉन 60 आवर यह। क्लियर। तो यहाँ से कैंसिल सब क्लियर, कितना जाएगा, 25 अपॉन 6। ये क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, 2। दोनों को सॉल्व करके हम जो फाइंड कर लेंगे स्पीड ऑफ ट्रेन एंड स्पीड ऑफ बस। ओके, बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।